नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पंचकुला में स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा शुरू होते ही हर वार्ड में पार्षद भी अपने लोगों को साथ लेकर साफ सफाई में लग गए हैं। आइए चलते हैं वार्ड नंबर 2 में जो पार्षद हैं उनसे बात करते हैं कि उन कैसे किस प्रकार काम की क्या परियोजना रहेगी। आज जो हम वार्ड नंबर 2 में ये स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है, इसमें इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 1 से माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बुश कटर चलवाकर और उन्होंने उस अपने पौधारोपण करके शुरुआत की और दोनों वार्डों में सभी सफाई सैनिक और हमारे जितने भी RWA के हमारे मार्केट के प्रधान और सभी संस्थाओं ने मिलकर ये अभियान शुरू किया है। ये पखवाड़ा 15 दिन चलेगा, हर 2 वार्ड हर रोज़ किए जाएंगे। हमारे वार्ड में ये जो आप देख रहे हो पौधारोपण हमने किया है, तकरीबन 100 के करीब पौधे हमने पाम के लगवाए हैं और हमारा तकरीबन रूटीन में भी पौधारोपण का कार्यक्रम चलता रहता है और सफाई के लिए जितने भी हमारे पॉइंट हैं वो सारे आज साफ किए जाएंगे। मेरे वार्ड में MDC 4, MDC 5 और सेक्टर 6 पंचकूला आता है। विशेष रूप से पंचकूला के सेक्टर 6 में भी टीम काम कर रही है और आज शाम तक ये वार्ड में सारी पूर्ण रूप से सफाई कर दी जाएगी। तो ये थे वार्ड नंबर 2 के पार्षद जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि स्वच्छता अभियान में किस तरह वो अपना सहयोग देंगे। मैं करमजीत सिंह, पंचकूला, अर्थ प्रकाश के लिए। आज हम पंचकूला के माँ मनसा देवी मंदिर के पास श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पौधारोपण करने आए हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से। थोड़ा सा बताएंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। देखिए, आज पंचकूला के अंदर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है और उस स्वच्छता अभियान जो है ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इस स्वच्छता अभियान के लिए सभी अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई, नोडल ऑफिसर्स तय किए गए हैं, हर वार्ड के अंदर हर सेक्टर के अंदर 5-5 अपने लोगों की टीम बनाई गई है जो इस स्वच्छता अभियान को सुपरवाइज करेंगे। और ये अभियान केवल कागजों में सीमित ना रहे, उसके लिए सभी काउंसलर्स को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। काउंसलर्स के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी जो भी इस वार्ड से इस से संबंध रखते हैं स्वच्छता से, उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर रोज़ इस स्वच्छता अभियान की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और मुझे हर रोज़ जो है उसकी रिपोर्ट देंगे, कहां कहां किस क्षेत्र के अंदर स्वच्छता अभियान चला है और क्या क्या उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ आज हमने पौधारोपण भी शुरू किया है। बरसात का मौसम है, इस मौसम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। मैं सभी पंचकूला वासियों से निवेदन करूंगा कि वो कम से कम एक पौधा अपने हाथ से अवश्य लगाएं और उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेवारी लें ताकि वो पौधा जो लगाएं वो एक वट वृक्ष बन करके हमें ठंडी छाया दे सके, वो हमें ऑक्सीजन दे सके। इस प्रकार की योजना जो अगले 15 दिन के अंदर रहेगी, ये केवल 15 दिन के अंदर लिए नहीं है, वैसे तो स्वच्छता अभियान हर रोज़ का अभियान है, लेकिन एक विशेष जहाँ पर भी कहीं मलबा पड़ा है, सफाई होने की आवश्यकता है या जो जो काम होने के ज़रूरी हैं वो काम सब करवाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों से पंचकूला में यूथ पर डेवलपमेंट हुई है, तो ये जो स्लम फ्री का भी कुछ चल रहा है पंचकूला स्लम फ्री के लिए। स्लम पंचकूला को स्लम फ्री बनाने के लिए
हमने योजना तैयार की है 7500 फ्लैट बना करके हम झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उन सब लोगों को उन फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार की योजना लगभग बन करके तैयार हो गई है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो ये थे देशराज विधानसभा के स्पीकर। तो मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकार न्यूज़ के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने आज एक पखवाड़ा शुरू किया है स्वच्छता अभियान को लेकर और आज ही इन्होंने पौधारोपण किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंचकुला को स्लम फ्री करने के लिए हरियाणा सरकार कुछ योजनाएं लेके आ रही हैं जिसके चलते जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, चंडीगढ़ के लिए।